हरियाणा रोडवेज कर्मियों ने हरियाणा दिवस को काला दिवस के तौर पर मनाया। बस अड्डे के नजदीक चल रहे धरने में कर्मचारियों ने रोडवेज कर्मियों के साथ मिलकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि यदि सरकार ने रोडवेज कर्मियों के साथ वार्ता करके कोई समाधान नहीं निकाला तो प्रदेश भर के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं हरियाणा रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में विभिन्न विभागों के कर्मचारी हड़ताल करके उनके धरने में शामिल हुए। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी समर्थन देकर धरने में शामिल हुए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि यदि सरकार ने रोडवेज कर्मियों के साथ वार्ता करके कोई समाधान नहीं निकाला तो प्रदेश भर के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और प्रदेश में अराजकता का माहौल बन जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी। नेताओं ने आरोप लगाया कि अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार हरियाणा रोडवेज का निजीकरण करने जा रही है। सत्तारूढ़ दल के नजदीकियों की 720 बसों को निजी परमिट दिए जा रहे हैं। पूरे देश में अपनी बेहतरीन सेवा के लिए प्रसिद्ध हरियाणा रोडवेज का सरकार बेड़ा गर्क कर रही है, लेकिन कर्मचारी सरकार के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। हड़ताल को लेकर क्या रुख क्या है? आज 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में जो हरियाणा सरकार हरियाणा दिवस मना रही है, तमाम रोडवेज का कर्मचारी और पूरे विभागों के हरियाणा के जितने विभाग है आज इस दिवस को काला दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि सरकार की हठधर्मिता के कारण आज मजबूरी से हमें काला दिवस मनाना पड़ा। और जो सरकार बार बार ये उत्पीड़न की कार्रवाई करी है, आज सवेरे जो हमारे टेंट लगे हुए थे वो टेंट भी यहाँ से उखड़वा दिए गए। 3 जगहों पर हमारे को शिफ्ट किया गया, जिसका कर्मचारियों और आम जनता जो हमारे बीच में आए उन्होंने पुरजोर विरोध कराया। विरोध करने के बावजूद भी इन्होंने उत्पीड़न कार्रवाई जारी रखी। बार बार सरकार टेलीविजन से आपके माध्यम से और पत्रकारिता आप लोगों के सभी के माध्यम से ये कह रही कि हमारे बातचीत के दरवाजे खुले। हम सरकार से साफ तौर से पूछना चाहते हैं कि सरकार एक बार बार टीवी चैनलों में दे रहे, क्या आपने कभी तालमेल कमेटी को कहीं न्योता भेजा है कि बातचीत के लिए आए, कि खाली अखबारों में दे के पब्लिक को गुमराह करने के लिए आप जो ये प्रचार करें? हमारे बातचीत के दरवाजे खुले, हम इस स्टेज के माध्यम से सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं और आज पूरा हम काला दिवस काले झंडे के साथ मनाएंगे। और आने वाले समय में अगर सरकार ने इस मसले का हल नहीं किया तो हम दिवाली को भी काले दिवाली के तौर पे मनाएंगे। तनख्वाह काटने का सरकार ने निर्णय लिया था, त्यौहार जहां सर पे हैं, आप लोगों के परिवार के भी खर्चे हैं, आपके दूसरे भी काम है, तो किस तरह देखिए सरकार की तानाशाही रवैये के कारण। और सरकार ने, मैं तो ये कहूंगा कि ACS जो हमारे विभाग के ACS है धनपत सिंह, उन्होंने DG साहब को बिल्कुल बाईपास करा हुआ, जो हमारे डायरेक्टर जनरल है, सीधे सीधे उनका हस्तक्षेप है और वो हथकंडे अच्छे हथकंडों पे उतारे आए हैं। अब सभी कर्मचारी जो हड़ताली कर्मचारी उनकी तनख्वाह काटने की बात है, तनख्वाह काट लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो देने के लिए तैयार है, हम बसों के लिए पैसे देने के लिए तैयार है, आम जनता पैसे देने के लिए तैयार है। आप सरकारी बेड़े में बस को ले आइए, हम जो है तनख्वाह काटने, एक तनख्वाह काटने से नहीं, 15 दिन की तनख्वाह से कुछ नहीं बनेगा, हम 2 महीने की तनख्वाह देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई औचित्य नहीं बनता हड़ताल का, कर्मचारी जो है सिर्फ राजनीति के तहत हड़ताल कर रहे हैं, क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी को एक अधिकारी ने हाईजैक किया हुआ है, वो उनको एक पक्ष तो उन्होंने सुन लिया, लेकिन उनको कर्मचारी का पक्ष भी सुनना चाहिए और तब जाके जब टेबल पे बात होगी तो उनको पता लगेगा कि कर्मचारी क्यों आंदोलन में झुके हैं। एक ACS के कारण है, उत्पीड़न की कार्रवाई जो लगातार बढ़ती जा रही है, इसके कारण से जो आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है और तीखा होता जा रहा है। आपका पद और परिचय बता दें। नाम मायरा मुनाल, राज्य उपमहासचिव।